हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट न्यू चैप्टर। मैनेजमेंट हमने पढ़ा, मैनेजमेंट क्या होती है, व्हाट इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे हम दूसरों से काम करवा रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अलावा हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं और क्या क्या उनके रेलेवेंस होते हैं, वी डिस्कस्ड दैट। आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज़ दी प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं। प्रिंसिपल्स मींस गाइडलाइंस। मैनेजमेंट क्या होती है, वी अंडरस्टैंड दूसरों से काम करवाना, वी हैव टू टेक सम डिसीजंस इन दैट। आपको जब एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट रन करनी है, यू हैव टू टेक डिसीजंस एट ईच एंड एवरी स्टेप। तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस आपको बताई गई हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि इन प्रिंसिपल्स या इन गाइडलाइंस के बेसिस पे यू कैन टेक द डिसीजन रिलेटिंग टू मैनेजमेंट, और यू कैन से यू कैन टेक द मैनेजीरियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस आपको हेल्प करती है टू बी अ गुड मैनेजर, और इट हेल्प्स यू इन टेकिंग और इन रनिंग द मैनेजमेंट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, राइट। एंड एज वी नो, हमारा लास्ट मोटिव और मेन मोटिव क्या है मैनेजमेंट से रिलेटेड, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, राइट। तो आज के इस चैप्टर में वी विल गोइंग टू डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोज आर बेसिकली अ गाइडलाइंस, और जिनको आप ये बोलोगे एक बेसिस है, जिनके बेसिस या जिनकी मदद से वी कैन टेक द डिसीजंस। और ये कोई इट्स नॉट गिव यू अ रेडीमेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं, आई मीन ये आपको कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं दे देंगे कि आपके पास ऑलरेडी कुछ रेडीमेड सोल्यूशंस हैं और किसी भी सिचुएशन में आप वो अप्लाई कर लो। नो, स्टिल यू हैव टू इवैल्यूएट द सिचुएशन, क्या इस सिचुएशन में इस प्रिंसिपल का यूज़ किया जा सकता है, और यू कैन से आपकी मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग को बेटर करने के लिए और इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट करने के लिए इन प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है, राइट। तो आज के इस चैप्टर में हम, आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, पहले हम उसका मतलब समझेंगे, उसका नेचर। इस चैप्टर से बेसिकली आपको एग्जाम में केस स्टडीज़ ही पूछी जाती हैं, आपको सिचुएशंस दे देते हैं, आपको बताना पड़ता है कौन सा प्रिंसिपल वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जस्ट लाइक अ गाइडलाइंस और अ हेल्पिंग टूल, राइट, फॉर मैनेजीरियल डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको बताया डिसीजन मेकिंग में ये आपको हेल्प करता है, तो इनकी हेल्प से ये एक तरह का टूल का काम करते हैं, और यू कैन से ये एक बेसिस होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम सही डिसीजन मैनेजमेंट में ले सकते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर सिचुएशन में डिपेंड करता है किस में कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, राइट। और यू कैन से कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट या मेथड से अलग है, ये आपको हेल्प करते हैं टू टेक अ राइट एक्शन और टू टेक अ राइट डिसीजन, फाइन। अभी जब हम आगे इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या उनको पढ़ेंगे, तो आपको इस लाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको इस डेफिनेशन को लर्न करवाने के लिए आपको मैं एक तरीका बताती हूँ। वंस आई कंप्लीट दिस चैप्टर, जब मैं प्रिंसिपल्स पे आ जाऊँ, तो ये स्टार्टिंग का जो क्लिपिंग है ये ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि क्या प्रिंसिपल का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, फाइन। ओके, तो ये गाइडलाइन है एक मैनेजर के लिए, जो इसकी मदद के थ्रू दे कैन टेक अ राइट एक्शन वाइल मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब ये प्रिंसिपल्स बनते कैसे हैं, प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं है कि आपको कोई चीज़ लगी, मैनेजमेंट स्कॉलर्स ने इस पे बहुत स्टडीज़ की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑर्गेनाइजेशन में जाके वर्कर्स की या फिर एम्प्लॉयज़ की, जो भी वहाँ पे मैन पावर काम कर रही हैं, उनको ऑब्जर्व किया कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं और कैसे काम करके वो खुश हैं,
और क्या चीज उनको मोटिवेट करती है या फिर उन्हें क्या चीज हेल्प करती है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करने के लिए। तो ये जो मैनेजमेंट स्कॉलर्स हैं, इन्होंने बहुत साल तक इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट, स्टडी, ऑब्जर्व और उन पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये प्रिंसिपल्स डिराइव किए हैं। और ये आने उसके बाद जितने भी मैनेजर्स आए, दे कैन मेक द यूज ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, राइट। तो ये प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं है कि एक दिन आपने कुछ सोचा और ये प्रिंसिपल बन के सामने आ गए। नो, ये प्रिंसिपल के डेरिवेशन यानी कि ये कहाँ से आए हैं, मैनेजमेंट स्कॉलर्स ने जिन्होंने इस पे डीप रिसर्च करी, स्टडी करी, उन्होंने इवैल्यूएट किया बहुत सारे वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, पहले उन्हें ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और उनकी हाउ दे वर्क और किस सिचुएशन में वो ज़्यादा खुश रहते हैं, कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव की जा सकती है और उनकी खुद की एक पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे उन्होंने ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें समझ आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ये एक गाइडलाइंस है जो मैनेजर को हेल्प करते हैं फॉर टेकिंग द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। और ये गाइडलाइंस कहाँ से आई है, मैनेजमेंट स्कॉलर्स ने इन पे रिसर्च करी, स्टडी करी, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को काम करते हुए देखा, उनके बेसिस पे ये प्रिंसिपल्स डिराइव किए गए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या नेचर क्या है, सबसे पहले ये हर सिचुएशन में अप्लाई किए जाते हैं। अभी जब हम फिर से, मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, व्हेन वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रिंसिपल, आपको इन सब लाइंस का मतलब बहुत अच्छे से याद और समझ आ जाएगा। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं स्कॉलर्स ने, वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सोच के नहीं बनाए गए और ना ही किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनाए गए हैं, और ना ही इस बेसिस पे बनाए गए हैं कि सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये लागू हो सकते हैं। इट मीन्स ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के साथ आते हैं, यानी कि ये हर सिचुएशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में लागू किए जा सकते हैं। उसके बाद ये एक जनरल गाइडलाइंस है जो हर कोई फॉलो कर सकता है। और ये आपको, जैसे मैंने पहले बताया, ये आपको कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं दे रहा, क्योंकि हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रिवेल करता है। यानी कि आप एक बिजनेस एनवायरनमेंट में हो और वो एनवायरनमेंट कभी भी बदल सकता है, और वो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बदलता रहता है। जैसे कि अगर अभी आज गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर दे, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो उसे बैन कर दे, तो फिर अब आपकी वो प्रोडक्शन, आप तो वो बिजनेस में वो वाला प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। इट मीन्स आपके लिए जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कभी भी बदला जा सकता है। तो हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करनी होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, राइट। तो ये एक गाइडलाइन है। उसके बाद ये कैसे बनी है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के। मैंने बताया बहुत सारे स्कॉलर्स ने, मैनेजमेंट स्कॉलर्स ने रिसर्च वर्क किया, उसके बेसिस पे एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे डेवलप्ड दीज प्रिंसिपल जो कहीं पे भी लागू हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। ये प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं जो मैनेजर्स इनको लागू करते हैं, दे कैन मोल्ड कर सकते हैं वो कि कहाँ पे ये लगेगा। हर जगह देखो, हर प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता, हर जगह हर सिचुएशन में कोई एक प्रिंसिपल किसी एक सिचुएशन को मैच करेगा, तो यू कैन से देर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये बेसिकली आपके एम्प्लॉयज के बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालते हैं, और ये बने बिना बिहेवियर को सोचते हुए हैं, ठीक है। अब आप एक एम्प्लॉय को इतना सारा काम दे दो, राइट, और आप उससे बोल रहे हो भाई तुझे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करता है, नो। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये एक एम्प्लॉय के बिहेवियर, वो कितना काम कर सकता है, उसकी टेंडेंसी सबको देखते हुए बने हैं। तो आप ये कह सकते हो कि दिस प्रिंसिपल बेसिकली फोकस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो। और इन प्रिंसिपल्स की जो डेरिवेशन है या डिराइव हुए हैं, देर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। आप ये करोगे तो उसका इफेक्ट ये आएगा, ये सोच कर ये प्रिंसिपल बनाए गए हैं। देर इज अ कॉज एंड इफेक्ट
relationship, right? So we can say that there is a cause and effect relationship. ठीक है, अब अगर दो सिचुएशन है मेरे पास, एक सिचुएशन में एक प्रिंसिपल लगाया तो उसका इफेक्ट कुछ और आ सकता है, दूसरी सिचुएशन में वही प्रिंसिपल लगाया तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा. अभी हम ये सब प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ऑटो मोड में रिकॉल और समझ आते चले जाएंगे. अभी आपको प्रैक्टिकली व्हेन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन यू विल गेट टू नो मोर ऑफ इट. नेक्स्ट इज कॉन्टिंजेंट, राइट? कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया ना, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट. और यहाँ पे आपको एक स्कॉलर की उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज लाइक अ कैप्सूल्स. ठीक है, कि आपको सोच समझ के सही जगह ये दवाई एम्प्लॉय को देनी है या फिर जिनसे आपने काम करवाना है, राइट? तो बेसिकली प्रिंसिपल्स का नेचर ये है, इन बेसिस पे ये डिसाइड किए गए हैं, बने हैं, और ये कैसे एप्लीकेबल होते हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बने हैं. इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? हमें अभी तक ये बात तो क्लियर है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बेसिकली यूज्ड इन द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट करते टाइम आपको जब जब डिसीजन लेने हैं आपको इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज करना है. लेकिन इसका फायदा क्या है, व्हाट इज दिस सिग्निफिकेंस, राइट? तो इसको हम यूं समझेंगे. सबसे पहले इसका फायदा ये है कि मैनेजर को ना ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि रियलिटी में जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, तो आपको एक रियलिटी कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आपने एक एम्प्लॉय को बहुत सारा काम दे दिया, राइट? आपने एक एम्प्लॉय को बहुत सारा काम दे दिया, आपने एक एम्प्लॉय को बहुत सारा काम दे दिया, राइट? अब वो एम्प्लॉय क्या चाहेगा, देर इज अ मिस्टर एक्स, ये आपके एक एम्प्लॉय है, आपने इनके इनको तीन बंदों को रिपोर्टिंग करनी होती है, इन एक मैनेजर ए, एक मैनेजर बी, और देर इज एन अदर मैनेजर सी. व्हाट यू फील, एक एम्प्लॉय और तीन मैनेजर, नाइंसाफी नहीं है बहुत? बिकॉज अब जब ये तीन मैनेजर हैं तो ये अपना अपना काम इससे एक्सपेक्ट करेंगे. अब एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ ह्यूमन बींग, ही इज़ नॉट अ मशीन. आप इसको मशीनरी की तरह तो यूज़ नहीं कर सकते कि जब मिस्टर ए ने जो मांगा इसने दे दिया, मिस्टर बी ने जो मांगा इसने दे दिया, मिस्टर सी ने. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि मिस्टर एक्स, अगर एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात बोल रही हूँ, कोई गाइडलाइंस ऐसी बन सकती है कि हाँ एक एम्प्लॉई और वो 10-10 बंदों को रिपोर्टिंग करेगा, इट वुड बी डिफिकल्ट. अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह सोचें, अगर मैं मैनेजर हूँ और मैं अगर मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड ना, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रिपोर्ट एट अ टाइम टू 3 डिफरेंट सुपीरियर्स या 2-3 डिफरेंट मैनेजर्स. ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कि ये गलत है, इससे अच्छा एक बंदा एक ही बंदे को रिपोर्टिंग करता है, राइट? ये अभी हम आगे प्रिंसिपल्स में पढ़ने वाले हैं. मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलती है. सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बोलती है कि आपको एज अ मैनेजर यू गेट अ रियलिटी चेक, आपको एक रियलिटी चेक मिलता है कि आपको समझना चाहिए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ व्यू. एक चीज याद रखना, जो मैनेजर है जिसको रिपोर्टिंग करनी है हमें, हु इज द सीनियर टू अस, उसको हम सुपीरियर बोलते हैं, एंड द पर्सन हु इज रिपोर्टिंग टू हिज सुपीरियर, दैट पर्सन या दैट एम्प्लॉय इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट. एक सबऑर्डिनेट को 4 सुपीरियर्स को जवाब देने हैं, इट इज अ चैलेंजिंग वन. तो इस सिनेरियो में आपको क्या है,
मैनेजर को ये एक रियलिटी चेक दे रहा है कि इट वुड बी डिफिकल्ट. तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब एक मैनेजर डिसीजन लेगा तो वो ये चीज सोच समझ के लेगा. ही नीड टू एनालाइज द मैनेजीरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस कि एक बंदा कैसे तीन बंदों को रिपोर्टिंग दे सकता है. नेक्स्ट इज योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. आपको पता है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वाला एग्जांपल, आपका रिसोर्स बेस्ट यूज कैसे करा जाए और टाइमली आपका काम खत्म कैसे किया जाए. दैट विल ऑल्सो इसके लिए भी एक गाइडलाइन बताई गई है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने इन तरह के सॉल्यूशंस हमें दिए हैं गाइडलाइंस बना के, राइट, कि हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, हमें रिसोर्स वेस्ट नहीं करना. अगर हम रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट एफिशिएंट, और अगर हम टाइमली काम करके नहीं दे रहे तो वी आर नॉट इफेक्टिव. तो कैसे आपको इन दोनों चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है उसके लिए भी एक प्रिंसिपल सिग्निफिकेंस में आता है, राइट. उसके बाद साइंटिफिक डिसीजंस, कुछ चीज़ें आपको साइंटिफिकली रियलिस्टिक मैनर में इवैल्यूएट करना चाहिए. हर जगह आप पर्सनल ओपिनियन या जजमेंटली यू कैन नॉट फिगर आउट दी थिंग्स. कुछ डिसीजन आपको साइंटिफिकली लेने पड़ते हैं. सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन दैट केस कि एक बंदा तीन तीन बंदों को अगर रिपोर्टिंग करेगा तो वो साइंटिफिकली सही नहीं है. आपको रियलिस्टिक सोचना है, आपको बैलेंस्ड सोचना है. रियलिस्टिक मतलब जो चीज़ हो सके, बैलेंस्ड मतलब एक बैलेंस मेंटेन. ये ना हो कि आप एक ही एम्प्लॉय पे इतना प्रेशर क्रिएट करो और दूसरे से आप काम ही नहीं करवा रहे हो, देर इज़ नो बैलेंस. तो आपको साइंटिफिक डिसीजंस में भी एक बेस देता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. उसके बाद आपको अपने बदलते एनवायरनमेंट पे, जैसे मैंने आपको वो वाला एग्जांपल दिया था कि अगर ओके लेट मी डिस्कस व्हाट इज एनवायरमेंटल चेंजिंग एनवायरनमेंट क्या बोलता है, हम एक बार उसको समझते हैं. चेंजिंग एनवायरनमेंट मींस आपको पता है बिजनेस एक एनवायरनमेंट में काम करता है, राइट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके, ये आपका बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिख लेते हैं इसे. ठीक है, ये आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. इसका जो एनवायरनमेंट है दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, वो डायनेमिक नेचर का है. ये जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है, दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं अभी. ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका गवर्नमेंट, कंपेटिटर्स, क्रेडिटर्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है. उसके अलावा कंपेटिटर्स की न्यू स्ट्रैटेजीज, वी कैन एंड कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस. इनसे बनता है. यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो आपका एनवायरनमेंट है जिसमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ये वो चीज़ें हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, राइट. इनमें किसी में भी बदलाव आया, इट विल हैम्पर द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. अब कॉम्पिटिटर ने कोई नई टेक्नोलॉजी ले आया, कॉम्पिटिटर अगर कोई नई टेक्नोलॉजी ले आएगा तो होगा क्या, आप जितना आउटपुट एक महीने में बना रहे हो वो कम टाइम में बना के वो आपको बीट करेगा, ठीक है.
या कोई वो ऐसी टेक्नोलॉजी ले आया जिससे ऐसा प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहा है कि आपका प्रोडक्ट उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते मार्केट में. सिमिलरली क्रेडिटर्स कल आपको उधार देना बंद कर दे, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए मार्केट में, या कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाए, तो इस तरह के फैक्टर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, राइट? तो ये सब आपका क्या कंप्राइज करता है? ये एनवायरनमेंट है, और ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये कभी भी स्टेबल नहीं रहता. इट इज़ अ डायनेमिक एनवायरनमेंट. डायनेमिक मतलब दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो हर वक्त चेंज होता रहता है. अब ये डायनेमिक एनवायरनमेंट है, ये कभी भी चेंज होता रहता है, तो आपको ये सारी चीज़ें सोच के चलनी है. उसके लिए यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि आपको कैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज़ करने हैं, जिससे कि आप चेंजिंग एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. अगर कोई बदलाव आया एनवायरनमेंट में, तो आप उसको फटाफट मीटअप कर सके और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कीप ऑन गोइंग ऑन वाली सिचुएशन में रहे, राइट? उसके अलावा सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक, कि आपको आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी है. आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल के नहीं है. वी नो बिजनेस इज मेंट फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स, पर उसके अलावा आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं. जैसे कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करना चाहिए. ये ना हो कि पैसा प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने के लिए आप बहुत बेकार, बहुत इनफीरियर क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो, जिससे कि कल कस्टमर को कोई हार्म हो सकता है. यू हैव टू बी फेयर इनफ विद इक्विटी एंड फेयर रेम्यूनरेशन. आप अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहे हो, तो यू हैव टू बी फेयर विद रेम्यूनरेशन ऑल्सो. उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना, अच्छी वर्किंग कंडीशन देना, दैट इज़ रेलेवेंट, और ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके अलावा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है, जिसके लिए मैनेजर्स को ट्रेंड करना पड़ता है, तो जिससे कि उनको कभी भी कोई डिसीजन लेने में दिक्कत ना आए. सो बेसिकली दीज आर दी सिग्निफिकेंस. अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ लोगे, तो यू कैन गेट टू नो कि ये चीज़ें हेल्प करती हैं. ओके, लेट्स कम टू दी सम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेयोल्स. देर आर टू मेन स्कॉलर्स जिन्होंने हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है. फर्स्ट इज योर हेनरी फेयोल, हु वॉज अ इंजीनियर बाय प्रोफेशन, एंड उन्होंने एक माइनिंग कंपनी से शुरू किया था एज एन इंजीनियर. उसके बाद ही बिकेम लेटर ऑन इन दैट कंपनी इटसेल्फ द मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने बनाए, जिसका यूज़ उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करवाया, जिससे स्लोली स्टेडली उनकी कंपनी की परफॉर्मेंस बेटर होती चली गई. एंड लेटर ऑन ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी ओनली. और उनकी इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशन, वो उन्होंने उस टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया, उसके बाद उनकी वो बनाए गए प्रिंसिपल्स आज तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं वेन एवर वी हैव टू टेक दी मैनेजमेंट डिसीजन्स, राइट? तो सबसे पहले और सबसे सिंपल, अच्छा, इन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड किए, जिसमें पहला है डिवीजन ऑफ वर्क. आप एक बार में एक एम्प्लॉय को बहुत सारा काम दे दोगे, उससे बेटर है काम को, जितना बड़ा टास्क है या जो भी काम है, जॉब है, उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया जाए, और हर काम को अलग अलग एम्प्लॉयज़ को अलॉट किया जाए ईच वर्क. और उसके बाद मैं जो काम, अगर सोचो मैं फाइनेंस का काम एक टेक्निकल बंदे को दे रही हूँ, हु इज़ नॉट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ फाइनेंस, तो वो मेरा मेरी अप्रोच गलत है. वो आपको आपका काम करके देगा ही नहीं. आपको सबसे पहले काम को डिवाइड करना है स्मॉल टास्क में, उसके बाद उनको जो उसके लिए स्पेशलिस्ट हैं या फिर जो उसमें बेस्ट हैं, हु इज़ ट्रेंड इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क, उनको वो काम दे दिया जाएगा. उससे क्या होगा, काम एफिशिएंटली होगा, क्योंकि जिस बंदे को दिया ही इज़ वेरी गुड इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, तो वो आपको जल्दी काम करके देगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और वेस्टेज कम हो जाएगी, और फाइनली आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो. तो पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, और जिस जो बंदा, जो एम्प्लॉय, जो सबॉर्डिनेट या जो वर्कर लेबर उस काम में एक्सपर्ट है, उसको वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क आप दे दो, क्योंकि
क्योंकि उससे क्या होगा, वो एफिशिएंटली काम करेगा, जल्दी काम करके देगा और वेस्टेज नहीं होगी, राइट? और हमें पता है मैनेजमेंट में भी ये चीज़ बोली है, काम करवाना जिसमें एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है. तो व्हाट डज इट मीन, सबसे पहले इसमें हाईलाइट कर लेते हैं, डिवाइड दी सॉरी वर्क इज़ डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स. उसके बाद ईच वर्क इज डन बाय ट्रेन स्पेशलिस्ट, राइट? ट्रेन स्पेशलिस्ट, फाइन. उससे क्या होगा, जल्दी काम होगा, स्पेशलाइजेशन होगी, प्रोडक्टिविटी और वेस्टेज कम होगी, राइट? सो दिस इज योर डिवीजन ऑफ वर्क. कितना अच्छा प्रिंसिपल है. अगर अब देखो, अब मैंने आपको ऊपर बताया था इट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इसकी, आप ये हर जगह अप्लाई कर सकते हो. उसी से वो काम करवाओ जो उसमें बेस्ट हो. नेक्स्ट इज योर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर देना, ठीक है? पावर बिजली नहीं, आई एम गिविंग यू ताकत, आई मीन किस तरह की ताकत, टू टेक द डिसीजंस. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आप किसी को काम दे रहे हो, जॉब दे रहे हो, जॉब मतलब काम दे रहे हो और उसको बोल रहे हो मुझे इस टाइम में ये काम कंप्लीट करके देना है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने की पावर, राइट? तो आप जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आपको साथ में उसको अथॉरिटी देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उस बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा. दैट मीन्स ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव? जिस भी एम्प्लॉय वर्कर या फिर लेबर को आपने ये काम दिया है उस काम को अच्छे से करेगा ही नहीं. ही वॉज नॉट बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट जॉब बिकॉज आपने उसको काम तो दे दिया लेकिन आपने उसको पावर नहीं दी. वेन यू गिव अ अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, दैट पर्सन स्टार्ट फीलिंग मोर मोटिवेटेड. उसको लगता है हाँ यार, सर ने मुझे दिया है, काम दिया है, एंड ही गेव मी दिस मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद सम अथॉरिटी, मैं डिसीजन ले सकता हूँ. तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन मिलती है, राइट? सो गिविंग अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज लाइक अ इनकम्प्लीट वर्क. तो आप अगर दोनों चीज़ें एक साथ दोगे तो सामने वाला उसको जल्दी से करके देगा, और अगर आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो सामने एम्प्लॉय आपका सबॉर्डिनेट क्या सोचेगा कि आपको उस पर भरोसा नहीं है. एंड इफ अ पर्सन स्टार्ट फीलिंग दैट आपको उस पर भरोसा नहीं है, कहीं वो आपकी दी हुई अथॉरिटी का गलत यूज़ कर रहा है, तो उसको वो चीज़ हर्ट कर जाएगी. ही विल नॉट बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट वर्क, राइट? सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दिस. नेक्स्ट इज योर डिसिप्लिन. हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स होने चाहिए दैट विल हेल्प यू. आई मीन एक रूल्स होने चाहिए जिससे सबॉर्डिनेट्स में एक डिसिप्लिन बना रहे, और आपको क्लियर एंड फेयर रहना है. ये नहीं है कि अगर एक एम्प्लॉय आपका फेवरेट है, उसने कोई डिसोबीडियंस दिखा दी, डिसोबीडियंट है वो, तो उसके बाद आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे हो. इक्वल ट्रीटमेंट देना है सबके लिए, एक जैसा डिसिप्लिन होना चाहिए जिससे कोई एम्प्लॉय अपने को आपको इन्फीरियर ना माने. ऑल दे स्टार्ट फीलिंग इक्वल, राइट? सो हमने क्या क्या पढ़ा, फेयॉल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं. फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ साथ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एवरीवन, राइट? नेक्स्ट इज योर यूनिटी ऑफ कमांड. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको यही एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि एक मिस्टर एक्स है, ABC करके उनके तीन मैनेजर्स हैं और तीनों उनसे काम चाहते हैं. यूनिटी ऑफ कमांड सेज कि एक सबॉर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होना चाहिए. ओके, सो यूनिटी ऑफ कमांड को हम ऐसे भी समझेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड, राइट? यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, वन सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट विद वन सुपीरियर,
यानी कि एक सबॉर्डिनेट एक ही सुपीरियर का ऑर्डर लेगा, ठीक है? ये नहीं है कि उसको दो तीन बंदे एक साथ दे रहे हैं, राइट? तो इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ, लाइक मिस्टर एक्स एक सबॉर्डिनेट है, ही हैज टू आंसर और ही हैज टू रिपोर्ट ओनली वन। एक मिस्टर ए मैनेजर है, एक मिस्टर बी मैनेजर है और एक सी है। तीनों से अगर वो ले रहे हैं तो दिस इज नॉट द राइट प्रिंसिपल, इस इधर वो काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ऐसे रखना है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। मिस्टर एक्स के एक ही सुपीरियर होने चाहिए। ही सपोज टू गेट अ इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस, ठीक है? इसको ये भी बोलते हैं, वन सबॉर्डिनेट वन बॉस। अब आपको पता है आपको एक ही को जवाब देना है, तो आप सोलली उसी का दिया हुआ काम पूरा करोगे, राइट? सो दिस इज योर यूनिटी ऑफ कमांड। इट मींस एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, अदरवाइज इस जैसे हमने इस वाले में पढ़ा, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्टर्बेंस सब कुछ आ जाएगी। ये मिस्टर एक्स यहाँ पे कुछ भी इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसे ए को भी रिवर्ट करना है, बी को भी करना है, सी को भी, तो वो कंफ्यूज ही रहेगा। तो ही विल नॉट बी एबल टू गिव हिज बेस्ट, वो अपना 100% दे ही नहीं पाएगा, राइट? सो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्टर्बेंस एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। आप अगर यहाँ पे भी हमने देखा है सुपीरियर वन, सुपीरियर टू, सुपीरियर थ्री और देर इज वन सबॉर्डिनेट, राइट? तो वन सबॉर्डिनेट और इतने सारे सुपीरियर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड। कमांड मतलब ऑर्डर्स तीन तरफ से आ रहे हैं एक साथ, कैसे काम करेगा? दिस इज रॉन्ग। तो हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, मीन्स कमांड मीन्स ऑर्डर, एक सबॉर्डिनेट एक सुपीरियर। ये गलत है मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिमांड, और ये वाला सही है, वन सबॉर्डिनेट वन सुपीरियर, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? सो इट इज दिस। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट इज योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हमेशा याद रखो, मैंने आपको बोला ना ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होता है, राइट? आपको सारे एम्प्लॉयज को मिलके उसी गोल की तरफ काम करना है, राइट? अगर कोई बीच में कह रहा है नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं वो, आपको अपने पर्सनल गोल जो आपका वहां के पैसा कमाना है वो गोल भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ लिंक्ड होना चाहिए, अदरवाइज चीजें सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगी। जो भी किसी भी ग्रुप को, अगर मैंने एक ग्रुप है सेल्स टीम को एक टारगेट दिया, एक ऑब्जेक्टिव दिया है, वो टारगेट मेंट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, राइट? ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। सो यूनिटी ऑफ एक्शन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक ही तरफ काम करना है, दैट इज फॉर दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अलग अलग होगा, जैसे यहाँ पे है फर्स्ट वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं सारे इस साइड पे काम कर रहे हैं, राइट? और अगर इस वाले, देर इज अ प्रेजेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ओ सॉरी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और यहाँ पे ये इसका इसका गोल इस साइड है, इसका गोल इस साइड है, दिस इज रॉन्ग। एंटी तो हो ही नहीं सकता, एक ही तरफ चलनी चाहिए ना डायरेक्शन, दिस इज रॉन्ग। इसका अलग है, इसका अलग है, ये पिक्चर क्या डिफाइन करी, यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है ही नहीं, जबकि फर्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं सब एक ही तरफ को, उनका गोल एक ही तरफ को आ रहा है। तो एक हेड, एक प्लान, एक गोल ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आगे आपका, मैंने अभी ये चीज पहले भी बताई है,
जो भी सबॉर्डिनेट, आपको सबसे पहले अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में, मतलब आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, यू हैव टू थिंक फॉर दी जनरल इंटरेस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन. आपका यहाँ पे इस लाइन का मतलब है सबॉर्डिनेशन, आपको पता है ना, अभी बता रही हूँ. सबॉर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? सबॉर्डिनेट जो नीचे है, सुपीरियर जो ऊपर है. उसी तरह से आपको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नीचे रखना है और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है? तो आपको अपने इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट बना लेना है. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी लेके चलोगे तो आप सही चल रहे हो, काम आपका सही चल रहा है, ठीक है? तो आपको अपने इंटरेस्ट, अपने मतलब अपने मकसद को नीचे रखना है, और जनरल इंटरेस्ट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखना है. नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. सेवेंथ प्रिंसिपल बोलता है जो भी पे या कॉम्पनसेशन आप एम्प्लॉयज को दे रहे हो, या जो भी कॉम्पनसेशन या पे एम्प्लॉयज को दे रहे हो, वर्कर सबॉर्डिनेट्स को दे रहे हो, वो इक्वल होना चाहिए. इक्वल और फेयर होना चाहिए. इक्वल तो नहीं हो सकता, कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो ही इज़ अर्निंग मोर, ही इज़ गेटिंग मोर, या वो बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन फेयर होना चाहिए. आप किसी से काम ले रहे हो, यू आर नॉट पेइंग हिम प्रॉपरली, देन वो डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि वेजेस और मनी फैक्टर मोटिवेट्स यू मोर. वर्कर को और अच्छा लगेगा, ही फील मोर गुड, ही वर्क मोर एंड बेटर. तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को हमेशा फेयर आपको ट्राई करना चाहिए. एम्प्लॉयज़ को आप और क्या फैसिलिटी दे सकते हैं सो दैट ही डोंट वांट टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? नेक्स्ट इज योर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन. आप अगर कुछ ही लोग डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ ही लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज़ लाइक अ टॉप मैनेजमेंट, उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है आप हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हो. अच्छा, आप कंप्लीटली सेंट्रलाइज भी नहीं सोच सकते, लेकिन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज भी. लेट वी डिस्कस क्या मतलब, ये क्या बोलना चाह रहे हैं उसके बारे में, राइट? हम इसको एक बार समझते हैं. सेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे है सेंट्रलाइजेशन का मतलब है व्हेन डिसीजन मेकिंग आर इन फ्यू हैंड्स. ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कुछ लोग हैं जो डिसीजंस लेते हैं, कुछ लोग. एंड हमें ये भी पता है हायरार्की क्या बोलती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, राइट? और सेंट्रलाइजेशन वाले केस में क्या होता है, सारे डिसीजन टॉप लेवल ले रही होती है, राइट? अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है कि सारे डिसीजन टॉप लेवल ही लेती है, मिडल और लोअर से तो कभी कुछ पूछती नहीं है. देर इज वन मोर थिंग, देर इज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या बोलती है, जब डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक ही लेवल पे नहीं हो रही, देर आर टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, और आप हर लेवल को इन्वॉल्व कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में. आप टॉप को भी कर रहे हो, मिडिल को भी कर रहे हो और लोअर को भी कर रहे हो. अब इसमें प्लस क्या है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट पे जो वर्कर्स या सुपरवाइजर्स या फोरमैन्स काम कर रहे हैं, उनको खुशी मिलती है कि ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन में हमसे भी पूछा जा रहा है. ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट नहीं, सबको मिलाकर, व्हेन यू आर जब आपको सबसे पूछा जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक आप वर्कर से भी उसकी राय मांग रहे हो, तो एक
सेल्फ मोटिवेशन मिलती है, सेल्फ एकम्प्लिशमेंट, और उन्हें एक पार्टिसिपेटिव फीलिंग आती है कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन के इतने बड़े डिसीजन में मेरे को भी पार्टिसिपेट किया। तो लोअर, अगर ऐसे आप लोअर और मिडिल लेवल से भी पूछ रहे हो, दे फील मोर हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। और कई बार ऐसा होता है कि टॉप मैनेजमेंट बस वही डिसीजन ले लेती है जो उनको समझ आता है, जबकि कुछ प्रॉब्लम्स एक्चुअल में जो एग्जीक्यूशन है वो तो लोअर लेवल पे होता है ना, ऑपरेशनल मैनेजमेंट तो लोअर लेवल पे है। उन लोगों की राय भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है, तो उससे क्या होता है, डिसीजन सही बनता है ऐसा आप मान सकते हो। मतलब आप मोटिवेशन भी दे रहे हो एम्प्लॉयज़ को। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 100% सेंट्रलाइजेशन भी ठीक नहीं है और 100% डिसेंट्रलाइजेशन भी ठीक नहीं है, तो देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ बोथ। आपको दोनों का बैलेंस रख के चलना पड़ता है। दैट मीन्स एज पर हेनरी फियोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बोथ शुड बी बैलेंस्ड, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप बोलोगे डिसेंट्रलाइजेशन की क्या गलती है, वो तो अच्छा है, लेकिन कई बार आप लोअर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को किसी ऐसी चीज़ पे डिस्कशन या डिसीजन मेकिंग का पार्ट बना रहे हो जिनकी उनको नॉलेज नहीं है। दैट विल हैम्पर ऑल्सो ना ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा भी हो सकता है उससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान हो जाए। नेक्स्ट इज योर स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अगर आप लोएस्ट लेवल पे हो और आपको अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी है टॉप लेवल पे, देन व्हाट यू नीड टू डू, पहले आपको अपने सुपीरियर को, फिर वो अपने सुपीरियर को बताएगा और फिर जाके टॉप तक आपकी बात है। देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ अथॉरिटी, अ सीक्वेंस और एक हायरार्की आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपनी कोई ग्रीवेंस या कोई सजेशन लोअर से टॉप पे भेजनी है या टॉप से लोअर पे भेजनी है, राइट? तो बेसिकली सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है? लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, कोई ऐसी सिनेरियो अराइज हो जाता है, सर्कमस्टांस ऐसी हो जाती है जिसमें एमरजेंसी अराइज हो जाती है, तो उस केस में आप गैंग प्लान का यूज़ कर सकते हो। गैंग प्लान क्या है ये बेसिकली, इसमें क्या है, आप स्ट्रेट अवे भी अपने, अब देखो सीक्वेंस आपको क्या बोलता है, अगर डी को ए तक कोई बात लेकर जानी है, अगर आपको डी को ए तक कोई बात लेके जानी है तो आपको क्या करना है, डी पहले सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा और बी ए को बोलेगा, राइट? और अगर जी को ए तक कोई बात पहुंचानी है, कंप्लेन या कुछ भी, तो जी एफ को बोलेगा, एफ ई को बोलेगा और ई ए को। और अगर डी को जी तक कोई बात पहुंचानी है, व्हाट यू नीड टू फॉलो, डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, फिर ए टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, ये सीक्वेंस बनता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है देन यू कैन फॉलो द गैंग प्लान ऑल्सो, उसमें आप डायरेक्टली इस तरह से डी टू जी तक बात आ सकती है, राइट? तो दैट इज योर स्केलर चेन। यहाँ पे बेसिकली एक हायरार्की समझाने की कोशिश की हुई है, दैट इज योर स्केलर चेन, राइट? नेक्स्ट इज योर ऑर्डर। ओके, आपको क्या करना है, जो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, और आपको सही जगह से ऑर्डर्स देने की नीड क्यों होती है, कि टाइमली एफिशिएंटली सारे काम हो जाए। नॉर्मली सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ कैसे करनी है, दैट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ प्रॉपर ऑर्डर। नेक्स्ट इज योर इक्विटी। इक्विटी क्या बोलता है, इक्विटी सेइंग वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम, इस तरह के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए। भाई वो पर्टिकुलर रिलीजन का है तो उसको हम ये ट्रीट करेंगे, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोलता है तो वी विल ट्रीट देम लाइक दिस एंड दैट, इट शुडंट बी लाइक दैट। इक्वल रिस्पेक्ट और देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग दी एम्प्लॉइज सबऑर्डिनेट्स। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले आपको फॉलो करना है, आपको जस्टिस रखनी है सबके साथ, फेयरली प्ले करना है,
कोई भी वर्कर को आप ज़्यादा फेवर भी नहीं करोगे और बेवजह पनिश भी नहीं करोगे. देयर शुड बी एन इक्वालिटी. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल इज़ दी 12th वन. पर्सोनेल का मतलब यहाँ पे मैन पावर से है. जब आप किसी को रखते हो, उसको सिलेक्ट करते हो, तो कोशिश करो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए आपके पास ही काम करे. द सिलेक्टेड पर्सन शुड बी केप्ट एट दी फॉर अ मिनिमम डिसाइडेड टू शो रिजल्ट. ये ना हो आज आपने रखा और आप थोड़े दिन बाद उसको बोल रहे हो जी अब तुम जाओ. देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल एंड प्रोवाइड सच काइंड ऑफ एनवायरमेंट कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए. नेक्स्ट इज योर इनिशिएटिव. वर्कर्स को आपको हमेशा एनकरेज करना है कि वो अपने नए मोट अगर वो आपको कोई सजेशंस या कोई न्यू आइडियाज़ दे सकते हैं, उनको प्लान्स में इन्वॉल्व करो, उन्हें बोलो वो अपना राय, अपनी ओपिनियन और कुछ इनिशिएटिव्स ले कैसे बेटर की जाए चीज़ों को. इससे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलती है. आप उनको अपने प्लान्स में इन्वॉल्व करो जैसे आप डिसीजन मेकिंग में डिसेंट्रलाइजेशन में करते हो. नेक्स्ट इज़ योर 14th वन इज एस्प्रिट डी कॉप्स. इसका मतलब क्या है? टीम स्पिरिट, यूनिटी और आपस में टीम के एक शांति हारमनी बनी रहनी चाहिए. और आपको कोशिश करना चाहिए लोगों को टीम में गैदर करने के लिए. और टीम वर्क में काम करवाओगे तो उन्हें दूसरों के साथ कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट और यूनाइटेडली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना ज़रूरी है. मतलब दे कैन फील कि कैसे टीम स्पिरिट कैसे एनकरेज की जा सकती है, राइट? तो दीज आर दी 14 प्रिंसिपल्स. जब हम केस स्टडीज पढ़ेंगे वी विल गेट टू नो इनका मतलब क्या है. आई होप आपको ये 14 प्रिंसिपल समझ आ गए हों. बेशक आप इसके बाद दोबारा से एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स और ऊपर मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा व्हाट आई मेंट ओवर देयर. नेक्स्ट इज योर यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक डिफरेंस बताया हुआ है. आई डोंट थिंक ये अभी समझाने की ज़रूरत है, आप समझ सकते हैं. यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है एक सबॉर्डिनेट एक बॉस, ठीक है. और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जो भी है उनका एक हेड एक प्लान, एक ही प्लान होना चाहिए, उसमें ओवरलैपिंग नहीं होती. इसमें दो दो आपको एक से ज़्यादा यूनिटी ऑफ कमांड में एक से ज़्यादा सुपीरियर को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है. यूनिटी ऑफ कमांड इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है. हमने हेनरी फ्योल पढ़ लिया, ठीक है. नेक्स्ट इज योर टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर इज अगेन अनदर मैनेजमेंट स्कॉलर जिन्होंने बहुत कम टाइम में एक ट्रेनी के रूप में चीफ इंजीनियर सॉरी ट्रेनी के रूप में एक स्टील कंपनी ज्वाइन की थी और उन्होंने बाद में वो बहुत ही कम टाइम में उस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इंजीनियर बन गए थे. टेलर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और कॉन्क्लूड किया कैसे कम टाइम में ज़्यादा काम किया जा सकता है, वर्कर्स को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है और कैसे मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक साथ सोचना चाहिए. उन्होंने बहुत सारी सजेशंस दी थी कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. और जो उनकी थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उनका फोकस था साइंटिफिक अप्रोच लाना. किनके दिमाग में? मैनेजमेंट के. और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला गया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ही इज़ नोन एज दी आपको 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब कैसे आप कम से कम नुकसान या वेस्ट किए बिना मैक्सिमम प्रोडक्शन कम से कम कॉस्ट में कर सकते हो. प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. हर चीज़ में साइंस है, हर चीज़ में साइंटिफिक स्टडी एनालिसिस सब इन्वॉल्व है. और अगर आपको लगे ऐसे हिट एंड रूल मेथड है तो ये नहीं है, ठीक है. आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा हर टेक्निक और कैसे चीज़ों को साइंटिफिक मैनर में चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा जिससे कि आपके काम को कितना जल्दी और आसानी से किया जा सकता है. वो इनका मोटिव ये था कि आप जब मैनेजमेंट में डील कर रहे हो, आप लोगों से डील कर रहे हो, एक साइंटिफिक अप्रोच लेके चलो, राइट? और हार्मनी बनाए रखो मैनेजर के पार्ट पे भी और वर्कर के भी, सो दैट उनके बीच में कोई डिस्टर्बेंस या फिर एक दूसरे के लिए कोई हेटरेट ना आए और कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो जब वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव. एम्प्लॉय को आपको ये फील कराना पड़ेगा हाउ दे कैन वर्क टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म.
आपको मैंने बताया था हमें इस तरह से काम करना है जिसमें मैनेजमेंट और वर्कर दोनों मिलके काम कर सके, अपना अपना नहीं सोचना, यू हैव टू वर्क इन कोऑपरेशन। तो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में बहुत ही मतलब देयर दे शुड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। आपको पता है अभी तक आपको समझ आ गया होगा मैं मैनेजमेंट बोल रही हूँ या प्रिंसिपल, द मेन सिनेरियो या मेन रीजन या फिर मेन पर्पस इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। ठीक है, ओके। ईच एंड एवरी पर्सन, आप इनका नेक्स्ट था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पैरिटी। यहाँ पे है एम्प्लॉयज़ की कंपिटेंसी को जानो और उनको वही काम दो जो उन्हें सूट करता हो, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर तुम वर्कर्स के स्किल्स को ढंग से यूटिलाइज करोगे अच्छी पॉसिबल फुलेस्ट मैनर में, तो वो आपको अपना बेस्ट करके देंगे। जैसे वो डिज़ाइन मिस्टर एक्स और वाई वाला एग्जाम्पल था जिसमें एक फाइनेंस के थे और एक डिज़ाइन डिपार्टमेंट के थे, तो अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो वो उतना अच्छा काम नहीं कर सकते। टेक्निक्स क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट की? फंक्शनल फोरमैनशिप, ये ऐसी टेक्निक है जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को सेपरेट करती है, राइट? 8 तरह के स्पेशलाइज्ड एंड प्रोफेशनल्स होते हैं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में। ध्यान से सोचना, एक बंदा प्लान कर रहा है, दूसरा उसे एग्जीक्यूट कर रहा है। वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं उसके लिए, वॉच रखने के लिए, उन्हें देखने के लिए देयर आर सम मैनेजर्स और हेड्स आर एलोकेटेड, क्योंकि हर बंदे को कोई ना कोई सुपीरियर चाहिए जो उसको ओवरसी करता रहे, सुपरव्यू करता रहे या फिर सुपरवाइज करता रहे, सो दैट सामने वाला अच्छे से काम कर सके, राइट? तो प्लान, एक फैक्ट्री मैनेजर है, यहाँ पे आपको बताया देर इज सम प्लानिंग इन चार्ज एंड सम आर प्रोडक्शन इन चार्ज। इन सबको डायरेक्टली वर्कर से काम करवाना है। प्लानिंग इंचार्ज में एक आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इनका काम क्या है? वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना। नेक्स्ट देर इज रूट क्लर्क, आपको सीक्वेंस बताना है कि आपको काम कैसे कैसे करना है। फिर आपके आते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जिनको ये डिसाइड करना है कितने टाइम में और कितने खर्चे में ये काम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज योर डिसिप्लिनेरियन, इनका काम है ये चेक करना कि क्या वर्कर्स प्रॉपरली डिसिप्लिन मैनर में काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब मैं अगर आपके सामने आ जाऊँ प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करूँ, तो उसमें आते हैं 4, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। गैंग बॉस का मतलब क्या है? ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टूल्स एंड मशीन्स। आपको पता है जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वर्कर्स को टूल्स और मशीन्स की ज़रूरत होती है। गैंग बॉस का काम क्या है? ही हैज़ टू कीप दी टूल्स एंड मशीन रेडी, जैसे वर्कर आए ही स्टार्ट डूइंग वर्क विदाउट वेस्टिंग दी टाइम। स्पीड बॉस को ये देखना है कि टाइमली जॉब कंप्लीट हो रही है। रिपेयर बॉस को ये चेक करना है कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है टूल्स एंड मशीन्स की कि नहीं। उसके अलावा इंस्पेक्टर को क्वालिटी ऑफ वर्क, मैंने भी काम कर दिया, मिस्टर वाई ने भी कर दिया, जेड ने भी कर दिया और तीनों ने जल्दी से कर दिया, पर ढंग से सिर्फ एक ही ने बनाया है, तो फायदा नहीं है वो जो दो बंदों ने जल्दी जल्दी काम किया, बिकॉज इट हैम्पर्स द क्वालिटी ऑफ वर्क। तो इंस्पेक्टर इज टू चेक दी क्वालिटी ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स डेवलप करने हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए, और सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्ड सेट कर दिया जी ये काम इतने का इतने टाइम में इतनी देर में हो जाना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है आप कैसे चीज़ों को सिंपल कर सकते हो, कैसे आप कॉस्ट बचा सकते हो, मशीन एंड टूल का खर्चा बचा सकते हो, और कैसे जो इक्विपमेंट्स आपके पास है उनका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, और कैसे टर्नओवर बढ़ाया जा सकता है। काम को सिंपल कैसे करना है और उसको उसका स्टैंडर्ड मींस आपको कुछ स्टैंडर्ड सेट करने हैं कि इस एक्टिविटी को अगर डिफाइन है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑन दिस। आपको ये चीज बोली गई है, एक
जॉब है जॉब ए. जॉब ए मीन्स इट्स अ टास्क और वर्क. जॉब ए, इसका स्टैंडर्ड टाइम है टू कंप्लीट 1 आवर है. दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड टाइम है कि ये काम 1 घंटे में हो जाता है. लेकिन अगर एक एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स एंड देर इज़ 1 अदर एम्प्लॉय वर्कर मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स अगर जॉब ए करने में 2 आवर्स ले रहे हैं और मिस्टर वाई से करने में 45 मिनट्स ले रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप इनकी परफॉर्मेंस इस स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, और जब आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे ये ज़्यादा ले रहे हैं तो ही इज़ नॉट एफिशिएंट, नॉट एफिशिएंट. और वही मिस्टर वाई कम टाइम ले रहे हैं तो ही इज़ मोर एफिशिएंट. यू कैन से आपको स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्डाइजेशन आपको एक बेस बना के दे देता है जिसके बेसिस पे यू कैन मेक द कंपैरिजंस ऑफ द वर्कर्स परफॉर्मेंस, राइट? तो स्टैंडर्डाइजेशन और काम को सिंपल कैसा जाए जिससे कि आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सको रिसोर्सेज का. मेथड स्टडी बोलती है, अच्छा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में कुछ स्टडीज बताई गई हैं. फर्स्ट इज योर मेथड स्टडी. इसका मतलब है आपको एक बेस्ट तरीका निकालना है जॉब को कंप्लीट करने का जिससे एफिशिएंसी बढ़ सके इन सब चीज़ों को यूज़ करने की. ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी, कैसे एक बेस्ट तरीका किसी काम को करने का जिससे एफिशिएंसी बढ़े और यूज़ ऑफ मटेरियल, एफिशिएंसी बढ़े मतलब इनका कम यूज़ करके हम ज़्यादा बना सकें, मेथड स्टडी ये बोलती है. मोशन स्टडी कहती है आपको अननेसेसरी एक्शंस और मोशंस को हटाना है. आप बेवजह उठ के बार बार टूल बॉक्स लेने जा रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, दैट इज़ योर इररेलेवेंट एक्ट्स या इररेलेवेंट मोशंस. मोशन स्टडी कहती है आपको जो आपके वेस्टफुल एक्ट्स हैं या अननेसेसरी एक्ट्स हैं उनको रिमूव करो, उन एक्ट्स को उन मोशंस को हटाकर बेस्ट तरीका ढूंढो जिसमें एक बार में काम हो जाए, ठीक है? सो मोशन स्टडी आपको बताती है हाउ टू एलिमिनेट दी वेस्टफुल एक्टिविटीज और अननेसेसरी एक्टिविटीज वाइल डूइंग अ जॉब बाय अ वर्कर. टाइम स्टडी आपको बताती है स्टैंडर्ड टाइम जो आपको लेना है एक जॉब को करने के लिए. जो मैंने अभी आपको पीछे एग्जाम्पल दिया दैट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ टाइम स्टडी बेसिकली, इसमें आप समझ सकते हो, ठीक है? सो अगर आप बताओ इस वाले एग्जाम्पल में दैट वी डिड लास्ट, उस वाले एग्जाम्पल में अगर मिस्टर एक्स लेट काम कर रहे हो और मिस्टर वाई जेड, तो आप मिस्टर वाई को ना यहाँ पे इंसेंटिव्स दे सकते हो, बोनस दे सकते हो, एक्स्ट्रा पे दे सकते हो, और उसको कम टाइम में वो आपका ज़्यादा काम करके दे रहा है, आप उसको बोनस दे सकते हो, इंसेंटिव्स दे सकते हो, ठीक है? तो इससे एम्प्लॉय वर्कर और मोटिवेट होके और अच्छा काम करने की कोशिश करता है, इट्स लाइक अ रिवॉर्ड, ठीक है? तो दिस इज़ द टाइम. मैंने इसमें लिखा भी है ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी, आप ये जान सकते हो कितने लोग काम कर रहे हैं और उनको स्कीम्स इंसेंटिव स्कीम्स दे सकते हो जो मैंने आपको बोनस वगैरह है. फटीग स्टडी मीन्स आपको ये पता लगाना है कितना रेस्ट इंटरवल एक वर्कर को चाहिए एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप किसी एम्प्लॉय को बोल रहे हो जी तू कंटिन्यूस काम करता रहे, तो उससे धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, वो उतनी एफिशिएंसी और उतनी तेज़ी से वो काम नहीं कर पाता. फैटीग स्टडी इज़ टू डिटर्मिन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क. रेस्ट इंटरवल से क्या होता है, वर्कर अपना जो उसकी एनर्जी लो डाउन हो गई है, उसका स्टेमिना लूज हो गया, वो रीगेन कर लेता है. और इससे क्या फ़ायदा होता है, एक्सीडेंट्स रिजेक्शंस या कोई सिकनेस फेस नहीं करता और एफिशिएंसी बनी रहती है. तो दिस इज़ बेसिकली टू डिटर्मिन द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क, राइट? नेक्स्ट इज योर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. अच्छा
सेम उसी एग्जाम्पल पे आते हैं. आप मुझे बताओ कि जो आपके ये हैं मिस्टर एक्स एन या मिस्टर वाई हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो जिनका होता है वो एक दिन में इतना ही काम करने वाले हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो वेज रेट्स भी उन्हीं के बेसिस पे डिसाइड कर जाता है कि आप किस कैटेगरी में हो या फिर आप कैसे काम कर रहे हो. डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम सेज वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे आपको पैसे दिए जाएंगे, वेजेस दिया जाएगा. अगर आपका स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टैब्लिश्ड, टू पीस रेट्स आर यूज्ड, ठीक है, दो पीस रेट आपका डिसाइड किए जाते हैं. एक पहले जो ज़्यादा, अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा आपने बना लिए तो हम आपको एफिशिएंट वर्कर बोलेंगे, अगर आपने कम बनाए तो इनएफिशिएंट और स्लो वर्कर बोलेंगे. एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा वेज रेट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, और इनएफिशिएंट को मोटिवेट किया जाएगा कि वो कैसे बेटर करे. यहाँ पे भी आपका वही एग्जाम्पल लगता है जो अभी हमने पीछे किया है. मिस्टर एक्स ने 2 आवर्स में काम किए, मिस्टर वाई में स्टैंडर्ड टाइम था 1 आवर, तो मिस्टर एक्स को हम मोटिवेट करेंगे वो कैसे अपनी इनएफिशिएंसी रिड्यूस करें, और मिस्टर वाई को हम इंसेंटिव्स देके ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं. यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. स्टैंडर्ड टास्क है, आपको एक दिन में 10 यूनिट बनानी है और आपको 50 रुपये पर यूनिट मिलेंगे अगर आप 10 यूनिट बनाते हो या उससे ज़्यादा, 40 रुपये मिलेंगे अगर आपने 10 यूनिट से कम बनाए, राइट? आप डिफरेंस देख सकते हो, 10 या 10 से ज़्यादा बना रहे हो तो ज़्यादा पैसे मिल रहे पर यूनिट, 10 से कम बना रहे हो तो कम मिल रहे हैं, क्योंकि जो कम बनाएगा वो इनएफिशिएंट काउंट होगा या स्लो वर्कर काउंट होगा. वर्कर ए प्रोड्यूसेस 11 यूनिट्स तो ही विल गेट 550. वर्कर बी प्रोड्यूसेस 9 यूनिट, ये इनएफिशिएंट है, ही गेट 360. 190 रुपीज़ जो ए को ज़्यादा मिल रहे हैं उसको और मोटिवेट करेंगे और अच्छा करने के लिए, लेकिन बी को लग रहा है यार मुझे 190 कम मिले हैं, तो ही विल प्रेफर टू प्रमोट, सॉरी टू परफॉर्म बेटर इन दी नेक्स्ट टाइम, राइट? तो ये आपके वेज रेट्स हैं. उसके बाद आपका आता है मेंटल रेवोल्यूशन कंप्लीट. आपको मेंटल आउटलुक, एटीट्यूड ऑफ वर्कर, मैनेजमेंट को, वर्कर्स को, मैंने बताया ना वर्कर्स और मैनेजमेंट में बनना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज अगर आपकी नहीं बनती तो वर्कर अपना बेस्ट नहीं देगा और मैनेजमेंट उनसे काम नहीं करवा सकती. मैनेजमेंट को इतना प्लेजेंट वर्किंग कंडीशन और एनवायरनमेंट बना के रखना है जिससे कि वर्कर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी छोड़ के ना जाए. ही शुड वर्क विद डिवोशन एंड लॉयल्टी. आप अगर प्रॉफिट्स या उनको बोनस या उनको फेयर वेजेस देने में कुछ ना कुछ करोगे तो ही विल नॉट गोइंग टू वर्क विद यू फॉर लॉन्ग, राइट? तो मैनेजमेंट और वर्कर्स में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन हमेशा बना रहना चाहिए. इसलिए एज अ मैनेजमेंट यू हैव ऑलवेज लुक टूवर्ड्स द वर्कर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है? अभी हमने यहाँ पे क्या समझा, फियोल और टेलर है, दोनों ने हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए जिसके बेसिस पे डिसीजंस लेने आसान होते हैं मैनेजर्स के लिए. अगर मैं टेलर की बात करूँ, ही वॉज टॉकिंग अबाउट शॉप फ्लोर लेवल, प्रॉपर लोअर लेवल पे वो डिस्कशन कर रहा है, ठीक है? लोअर लेवल पे जो वर्कर्स जो टूल्स में काम कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, ऑपरेशनल लेवल, इनके लोअर लेवल कंसर्न है यहाँ पे. टेलर ने हमें जो जो प्रिंसिपल्स दिए हैं दोज आर बेसिकली मेंट फॉर लोअर लेवल. आपने पढ़ा होगा मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फेटीक स्टडी, यहाँ पे हम ऑपरेशनल लेवल की बात करें, जबकि फियोल के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप ऑफ सिचुएशन, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल लेवल, लोअर लेवल और अपर लेवल. लेकिन ये दोनों प्रिंसिपल्स म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर के लिए. That will help you to promote or it will help you to take a good effective decision making in the management और जिससे कि आपका organizational goal easily achieve हो जाए. Okay, so that's all for today's class. Apart from that, there are some questions at the end. Just go through with these also as per the marking scheme, right?